हमारी तो तिजारत भी जन्नत का रास्ता है। अगला करंट इशू जो है बै अरबून का हुक्म। बै अरबून किसे कहते हैं? बै अरबून कहते हैं जिसको आजकल की जुबान में बयाना कहते हैं। किसी से कोई चीज हम खरीदते हैं तो एडवांस उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। आजकल जो है वो गालिबन जो उसकी कीमत होती है उसका 1/4 जो है वो दे देते हैं एडवांस में, तो बाकी जो है अदायगी बाद में होती है। तो ये जो एडवांस देते हैं ये उसी कीमत का हिस्सा होता है, उसमें से मिनहा किया जाता है। बयाना का हुक्म ये है कि अगर बयाना किसी ने दे दिया एडवांस, उसके बाद एक हफ्ता या दो हफ्ता बाद हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो सौदा कैंसिल करना पड़ा दोनों को, कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं, तो इस सूरत में जो बेचने वाला जिसको एडवांस दिया था वो पाबंद होगा कि वो बयाना एडवांस वापस कर दे खरीदने वाले। अलबत्ता अगर उसका कोई हकीकी नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफी कर सकता है। मसलन मैंने इन साहब से एक मकान खरीदा, मकान की कीमत उस वक्त थी 80 लाख, मैंने इनको 1/4 20 लाख या 5 लाख या 10 लाख दे दिया। दो हफ्ते बाद हमें सौदा कैंसिल करना पड़ा, उस वक्त मकान की कीमत थी 80 लाख, लेकिन अब मकान की कीमत हो चुकी है 78 लाख, फौरन कीमत कम हो गई, रेट गिर गया, ठीक है। तो अब ये 2 लाख की तलाफी हो सकती है उससे, ये इनको जो मैंने बयान दिया था ये 2 लाख काट सकते हैं क्योंकि इनको नुकसान हो रहा है ना, ठीक है। पहले उस वक्त जो है 80 लाख थी, अब फौरन जो है 78 लाख हो गई, तो इससे उनका नुकसान हो रहा। तो ये अगर हकीक नुकसान वाकई हुआ है फिर तो जो है उसकी तलाफी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि नहीं इतने दिनों में मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता था, ये नुकसान नहीं है, इसको नुकसान ही कहते। नुकसान का मतलब है कि वाकई जो है उसका रेट जो है वो गिर जाए। एक सवाल बाद में ज़हन में रखिएगा, आखिर नशिस्त में जो है वो इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। तो ये बै अरबून है। एक जो है ना इस्तेलाह इस्तेमाल होते अरबों में हामिस जिद्दिया, हामिस जिद्दिया भी एडवांस पेमेंट को कहते हैं, लेकिन हामिस जिद्दिया और बयाने में फ़र्क यह है कि बयाना जो है वो कीमत का हिस्सा होता है और हामिस जिद्दिया जो है वो उस कीमत का समन का हिस्सा नहीं होता। तो ये मुख्तसरन मैंने आपसे बै अरबून का हुक्म जो है वो अर्ज कर दिया। बै ऐना का हुक्म, बै ऐना के मुख्तलिफ सूरतें हैं। मसलन एक सूरत ये है कि कोई मकान बेचना चाहता है, मजबूरी है उसका बिक नहीं रहा, वो मुझे कहता है कि मकान मैं बेचना चाहता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि मकान तो आपसे खरीद लूँगा लेकिन मुझे भी कर्ज की ज़रूरत है, मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए कर्ज भी देंगे, मैं उसके जो है ना मजबूरी से गलत फ़ायदा उठाता हूँ, जायज़ नहीं। दूसरी सूरत यह है कि मैं किसी से को कहता हूँ कि आप मुझे अपना मकान बेच दें, बस रहे, वो मुझे कहता है कि ठीक है मकान तो मैं आपको बेच दूंगा, ठीक है, लेकिन आप मुझे कर्ज देंगे, इतना कर्ज आप मुझे आपको देना पड़ेगा, या कर्ज की जरूरत है, ठीक है, वो मैं उसको कहता मुझे कर्ज दे रहे हो, कहते मैं आपको कर्ज तो दूंगा लेकिन उसके साथ जो है आप मुझसे ये चीज खरीदेंगे, मसलन उसकी चीज की कीमत जो है वैसे तो वो 40,000 है लेकिन मैं मजबूरी से फायदा उठाते हुए मुझे कहता है 45,000 देंगे, 45,000 की चीज भी आपको मुझसे खरीदनी पड़ेगी, 40,000 की चीज भी खरीदनी पड़ेगी, जायज नहीं। तीसरी सूरत यह है भाई ना की कि मसलन मैंने किसी को कोई चीज बेच दी उधार 50,000, अब एक हफ्ता उसने 1 साल में अदायगी करनी है, अब 1-2 हफ्ते बाद जो है
وہ چیز میں اسی سے خریدتا ہوں 40,000 نقد. ادھار بیچی تھی میں نے 50,000 کی ایک سال کے لیے, پھر دو ہفتے بعد اسے میں نقد خریدتا ہوں 40,000, جائز نہیں. یہ تو بس صرف ٹوٹل پورا کرنے کے لیے سودا ہوا ہے, پکڑنا تو اصل کیا ہے کہ میں نے اس کو چیز بیچی تھی نا 50,000 کی, اب میں نے اسے نقد خرید 40,000 دے دیا, اس کو 40,000 پکڑا دیا, اب ایک سال بعد میں نے 50,000 لینا ہے, تو کہہ کہ 40,000 دے رہا ہوں اور ایک سال بعد جو ہے اسے 50,000 لے رہا ہوں, 40,000 ایک سال کے لیے میں بیچ رہا ہوں 50,000 کے بدلے میں, یہ بھی جائز نہیں.